राजस्थान सरकार भले ही अपने नागरिकों की चिंता करते हुए उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया करवाने का दम भरती हो, लेकिन खुद चिकित्सा मंत्री परसदीलाल मीणा के गृह जिले दौसा के हालात अच्छे नहीं हैं। चिकित्सा के लिए आज भी मरीज झोलाछाप डॉक्टरों की शरण लेते हैं। ताजा मामला गुड़लिया गांव का है, जहां पर एक झोलाछाप चिकित्सक के इलाज में एक मरीज की जान चली गई। मृतक कमली देवी के परिजनों ने बताया कि कमली देवी को हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होने के चलते वह झोलाछाप डॉक्टर को दिखाने के लिए गुड़लिया के एक झोलाछाप डॉक्टर के यहां पहुंची, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने कमली देवी को तुरंत इंजेक्शन लगा दिया और मृतका के परिजनों ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद कमली देवी के मुंह में झाग आने लगे, देखते ही कमली देवी की मौत हो गई। हाथ पैरों में दर्द था उनके, जो सुबह दवाई दिलाने लाए थे, दवाई दिलाने के बाद में इंजेक्शन लगाते ही मुंह में झाग आ गई, झाग आते खत्म हो गई। आप क्या लगते हो मृतक के? मेरी बड़ी मम्मी है। अब आप क्या चाहते हो? सर इंसाफ चाहते हैं, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका नाम? कमलेश कुमार बैरवा, ग्राम गुडलिया। क्या मामला था? सुबह में दवाई लेने आई थी, कोई हाथ पैरों में दर्द था, दवा लेने के बाद में बस उनको वो हो गया। मौत कैसे हो गई? मौत इंजेक्शन गलत लगा दिया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। आपका नाम? अजोड़ बिन भाई। जिसके बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। उसके बाद झोलाछाप डॉक्टर का झोलाछाप चिकित्सालय सीज कर दिया गया। राजस्थान में झोलाछाप की लापरवाही से यह मौत का कोई पहला मामला नहीं है। इस सारे मामले में सबसे अच्छी और देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का खुद गृह जिला होने के बावजूद भी यहां पर चिकित्सा में कितनी सजगता है। अब आने वाले समय में कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार इन झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल कसेगी या यह लोग इसी तरह आम आदमी की जिंदगी से खेलती रहेंगी। दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।